स्वास्तिक इंटरनेशनल स्कूल का दूसरा वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता हुआ संपन्न। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। प्रगति हाउस को हाउस ऑफ द ईयर अवार्ड। वहीं कबड्डी में चेतना हाउस ने मारी बाजी। बच्चों की नैतिक व शारीरिक विकास के लिए खेल बेहद है आवश्यक, ऐसा कहा उपनिदेशक ने। पटना विक्रम। पटना जिला के विक्रम प्रखंड क्षेत्र के 12 गांव स्थित स्वास्तिक इंटरनेशनल स्कूल के खेल परिसर में बीते सप्ताह से संचालित विद्यालय का द्वितीय वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हो गया। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि युवा एवं संस्कृति विभाग के उपनिदेशक संजय कुमार, बीसीए सचिव अमित कुमार, बीसीएल संयोजक ओम प्रकाश तिवारी, भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सतीश राजू, लॉजिस्टिक बिहार के जीएम परमवीर पटवर्धन, बीसीए प्रवक्ता कृष्णा पटेल, विद्यालय के निर्देशिका लूसी सिंह, सुबेदार सिंह व प्राचार्य गोपाल विद्यार्थी ने संयुक्त रूप से बैलून उड़ाकर व मशाल जलाकर किया। तत्पश्चात विद्यालय के प्राचार्य गोपाल विद्यार्थी ने स्कूल ध्वजारोहण किया। स्कूल के चारू हाउस के बच्चों ने भव्य गार्ड ऑफ ऑनर के तहत झंडे व अतिथियों को सलामी दी। मौके पर स्कूली बच्चों के लिए खो खो, कबड्डी, रेस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फ्रॉग रेस, शेक रेस, स्कीपिंग रेस, म्यूजिकल चेयर व मैथमेटिकल रेस सहित कई अन्य प्रतियोगिताओं के फाइनल मुकाबले खेले गए। स्कूली बच्चों ने बीच बीच में कई भव्य व मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बच्चों की प्रस्तुति परफॉर्मेंस ने मौके पर मौजूद अभिभावकों व अतिथियों का मन मोह लिया। मौके पर मुख्य अतिथि उपनिदेशक संजय कुमार ने स्कूली बच्चों व शिक्षकों की हौसला अफजाई की व उन्हें खेल के कई गुण सिखाए। उपनिदेशक ने बताया कि बच्चों के विकास के लिए खेल बेहद आवश्यक है, इसे हर विद्यालय व अभिभावक को प्राथमिकता से लेना चाहिए। वहीं भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सतीश राजू ने बताया कि इस स्कूल के बच्चों के हुनर को देखकर यह सिद्ध हो गया है कि देहात में मेधा की कोई कमी नहीं है, इन्हें मंच की आवश्यकता है। सतीश ने कहा कि देश के पीएम मोदी खेल को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। बच्चों व युवाओं के लिए कई प्रतियोगिताएं कराई जानी है जिसमें देहात के बच्चों को भी अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा। सतीश ने स्कूली बच्चों को खूब सराहा। वहीं स्कूल के अनुराग हाउस ने हाउस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता तो कबड्डी में चेतना तथा खो खो में प्रगति हाउस के बच्चों ने बाजी मारी। कबड्डी सहित कई अन्य खेलों में बच्चों का प्रदर्शन से स्कूली बच्चों और अभिभावकों में काफ़ी उत्साह का माहौल था। विभिन्न खेलों के विजेताओं को मौजूद अतिथियों ने मेडल, सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राजद प्रखंड अध्यक्ष दिलीप यादव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष दुल्हिन बाजार व जदयू जिला उपाध्यक्ष रविशंकर, शशांक शेखर मिश्रा, अवनीश कुमार, बिहार टीम के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रूपक कुमार, भाजपा खेल प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी एवं अर्जुन सहित कई अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व अभिभावक मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्देशिका लूसी सिंह, संचालन शिक्षक सुमन शेखर व शिक्षिका कोमल तथा धन्यवाद ज्ञापन कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र ने किया। जिंदगी से है प्यार, जिंदगी से है प्यार, हर को जोड़ो, हर को जोड़ो, वाटर से जन जन को है यही संदेश, नासा करता है खराब, नासा करता है खराब। खेलों के मेरों में पत्थर मिले, लो में जन्नों के मिले।